अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं जिनका नाम है अलीज़े ज़हर। यूट्यूब पर इनके तकरीबन 15 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और टिकटॉक पर भी काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। दिखने में काफ़ी खूबसूरत और मुटियार जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि पिछले दिनों उनका एक प्राइवेट वीडियो लीक होता है, जिसके बाद बहुत सारे लोग उनका साथ देते हैं उनके रोने धोने पर। वो वीडियो जब उनका लीक होता है और वो कहती हैं, आकर रो धोकर बताती हैं, मेरे साथ ये धोखा हुआ है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के पास ये वीडियोस थी, उसने जो कुछ भी किया। उसके बाद कुछ लोग जो कि उनके रोने धोने पर उनका साथ देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये एतराज़ करते हैं कि चलो ये तो प्राइवेट पार्ट वाली वीडियो जो है वो लीक हो गई, लेकिन जो खुद वो वीडियो बनाती हैं जिसमें उनका भाई उनकी वीडियो शूट कर रहा होता है, इसमें कौन कसूरवार है? जिस तरह से उनका अपना भाई उनकी बॉडी को प्रोमिनेट कर रहा होता है, जिस तरह से वो फोकस कर रहा होता है, लोगों ने कहा कि वो वीडियो तो चलो लीक हो गई, ये कौन कर रहा है, ये कौन शूट कर रहा है और इस तरह के कपड़े पहनकर कौन वीडियो बनाता है। इसके बाद एक और यूट्यूबर है जो अपने आप को सहाफी भी कहती है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इसकी मेरे पास 5 से 6 और नाजेबा वीडियोज आई है, मुझे किसी ने व्हाट्सअप किए हैं और मैं बड़ी हैरान हूं। इसका मतलब यह है कि मार्केट में अलीज़े ज़हर की और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। अब जरा पहले तो आप लोगों ने अलीज़े ज़हर के बारे में सुना, अब मैं थोड़ा आपको उस सहाफी के बारे में भी ये बात बता दूं कि वो पिछले दिनों जब दुआ ज़हरा वाला मामला हुआ था तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेश की थी जिसमें वो कह रही थी कि मैं एक्सपोज कर रही हूँ। अहाता अदालत में उन्होंने ज़हीर के साथ भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया था, बहुत शोर शराबा किया था। उनको शायद ये लगता था कि ऐसा करने के बाद वो फेमस हो जाएंगी, एकदम क्लिक कर जाएंगी। उसके बाद उन्होंने ये किया था कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे धमकियां आ रही हैं, बड़े बड़े जो गैंग हैं जो कि ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे धमकियां दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा गैंग है और ये वो। इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि ज़ुनैरा माहम भी इस केस में शामिल थी, जो कि कह रही थी कि इसके पीछे कोई गैंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब इस सारे मामले के बाद बुशरा भी ये कह रही हैं कि मेरे पास 5 से 6 वीडियोज़ अलीज़े ज़हर की और आई हैं जो कि बहुत ही नाज़ेबा हैं। उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए वीडियो कॉल रिकॉर्ड करवाई भी और यूं लगता है कि जैसे वो खुद ये सब कुछ कर रही हैं ताकि वो फेमस हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह की हरकत करने के बाद। लेकिन उन्होंने एक और सवाल उठाया जो कि वहां आकर मैं थोड़ा खामोश हो गया। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी बंदी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो जाए तो अगले ही दिन उसका वीडियो कैसे अपलोड हो सकता है यूट्यूब पे? मतलब उनका जो व्लॉगिंग चैनल है, जब उनके साथ इतना बड़ा वाकया हो गया और पूरे मुल्क में जो है टॉप ट्रेंड चल रहा था, उस वक्त अलीज़े ज़हर का वीडियो यानी कि व्लॉग जो है वो अपलोड हो रहा था। अब ये सारा मामला वाकई समझ से बाहर है कि जब एक किसी लड़की के साथ इतनी ज्यादती हो जाए, उसकी अपनी इज्जत पूरे मुल्क में, बल्कि जहां जहां लोग उसके चाहने वाले थे, जाहिर है मैंने आपको पहले ही बताया उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत सारे लोग उनको बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन जब उनकी ये नाज़ेबा वीडियो लीक हुई तो फिर कैसे वो अपना व्लॉग अपलोड कर सकती है? ये वाकई पॉइंट है। बहरहाल मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी के पास या फिर उनका एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि लानती एक रिलेशनशिप है, ये एक्स बॉयफ्रेंड, ताज़ा बॉयफ्रेंड, ये है क्या? ये मतलब जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये नाज़ेबा वीडियोस लीक होती रहेंगी, ना जाने कितनी लड़कियां जो हैं इस गंदे घिनौने काम में फंसती होंगी। जब वो उसके साथ बात करती होंगी, ऑब्वियसली लड़की लड़के का कहते हैं रुई और आग का क्या रिश्ता हो सकता है, दोनों एक जगह होंगे तो कभी भी साथ हमेशा नहीं रह पाएंगे, जल जाएंगे। अब जाहिर है ये देखें आग ने क्या किया। ऐसा वाकया तो किसी भी शरीफ औरत के लिए मर जाने का मकाम पैदा कर देता है, लेकिन उस शख्स को भी शर्म आनी चाहिए जो किसी को अपनी प्यार मोहब्बत चाहत का झांसा देकर, उसको ये यकीन दिलाकर कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, बस मैं तुम्हें एक बार हर तरह से देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत दूर हूँ तो करीब आ नहीं सकता, तो कम से कम देखकर अपने दिल को तसल्ली देना चाहता हूँ। इस तरह का धोखा देकर जब आप सब कुछ उसका देख लेते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड भी चले कर लिया आपने, लेकिन इससे भी जब आप दुनिया के घटिया तरीन इंसान बनते हैं और उन चीज़ों को आप पब्लिक कर देते हैं, लीक कर देते हैं, तो आपसे घटिया इंसान शायद इस दुनिया में कोई नहीं। जिसे आपने गलत समझकर उसकी वीडियो बनाई, मैं समझता हूं कि वो दुनिया की गंदी तरीन औरत होने के बावजूद भी आपसे कई गुना ज्यादा अच्छी है, जिसने आप पर ट्रस्ट कर लिया, मैं ये समझता हूँ। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान की माँ बहन बेटी बीवी सबकी इज्जत को महफूज रखे। आमीन।